माने आज यही वीडियो रे आम डिस्कशन करीबा प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर जोटा कि तुमकर कंपलसरी सब्जेक्ट पिला माने ईवीएस बा तुम माने एनवायरमेंटल स्टडीज कही पारो बा तुमकर SECC1 कही पारो बा परिवेश विज्ञान कही पारो। तो बेसिकली समलपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक इंपोर्टेंट अटे कहीं ना। तो यही वीडियो आम डिस्कशन करीबा तुमकर ईवीएस रो केतोटी वन मार्क प्राजे पिला माने 33 माने 63 गोटी वन मार्क क्वेश्चन मुझक जनइबि। तो ये 63 गोटी जो क्वेश्चन प्राक्ट करो पे का जो तुमको एग्जाम रही अच्छे पे 63 गोटी क्वेश्चन मध्य ही क्वेश्चन आसव तुम जो 12 एक मार्किया क्वेश्चन जो आसी थे पे जो 12 मार्क विशिष्ट। तो 12 मार्क तुम्हें जो आने को चाहू जो 63 गोटी क्वेश्चन जो प्राक्ट करो सब क्वेश्चन एथर ही आसव 100% ग्यारंटी देखिए कहूँ पे आगर तुमको ये भिडियो प्रथम शेष पर्यटन देखार अच्छे। तो चलो आउ टाइम वेस्ट करनी फटाफट भिडियो स्टार्ट करवा है। तो देख पे देखिपुर समलपुर यूनिवर्सिटी वन सेमिस्टर ईवीएस बा SECC1 बा एनवायरमेंटल स्टडीज बा परिवेश विज्ञान वन मार्क सिलेक्टेड क्वेश्चन विद आंसर। तो ठेरे मते लिखी पे प्लस थ्री वन सेमिस्टर ईवीएस 2024 समलपुर यूनिवर्सिटी मोर ना जाच रमाकांत नायक जदि जाणिनाओ जाणिनि। तो चलो ओडिया मीडियम स्टूडेंट मैं ये इंपोर्टेंट अटे है। तो देख पे फास्ट क्वेश्चन जखमा एक डेस्क प्रकार रोग अटे। तो जो देखा पे जखमा एक ट्यूबरकुलेसिस जो कहा जाए टीबी तो जखमा एक डेस्क प्रकार रोग अटे। तो जखमा हूँ गोटे जीवाणु संक्रमण माने बैक्टीरिया जनित रोग जीवाणु संक्रमक रोग अटे। तापर देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन टीकाकरण शरीर में डेस्क वृद्धि कराए ओ रोग प्रतिरोध रोग करे। तो टीकाकरण शरीर में कौन वृद्धि करें पे तो टीकाकरण शरीर में आम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई देसी है रोग प्रतिरोधक शक्ति हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रति क्वेश्चन इंपोर्टेंट अटे कहीं पे ये क्वेश्चन गुड़ाक अलरेडी अन्यान्य यूनिवर्सिटी अलरेडी पढ़ी सारी पे तुमको यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम अच्छे एथर क्वेश्चन आसव। देख भूमिकम्प डेस्क प्रकार दुर्विपाक अटे। तो भूमिकम्प गोटे क्यों प्रकार दुर्विपाक पे तो यहाँ गोटे प्राकृतिक विपर्जय अटे है प्राकृतिक दुर्विपाक अटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पे रियो आर्ट तुमको जो रही अच्छे देख सुमित वाज हेल इन द ईयर। तो यहाँ के मस रहा है पे मैंने यहाँ मन रख 1992 जून 3 तारीख 3 June 1992 मान 3 June 1992 मसीहार यहीटा तुमको होता है रियो आर्ट कौन सुमित यहाँ कौन यही मसीहार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख परमाणु युद्ध द्वारा डेस्क प्रदूषण सृष्टि हे। तो परमाणु युद्ध द्वारा डेस्क प्रदूषण सृष्टि हो पाने तो यहाँ उच्च स्तर विकिरण जो तापमात्रा रही है। तो परमाणु युद्ध द्वारा उच्च स्तरीय विकिरण प्रदूषण विशेष परिमाण में होता है सृष्टि हे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे पृथ्वीर कठिन बाह्य आवरण को डेस्क कहुए ना पृथ्वीर कठिन बाह्य आवरण को कौन बोली कहुए पे तो लिथोस्फीयर बोली कहुए मन रख पृथ्वीर कठिन बाह्य आवरण को लिथोस्फीयर बोली कहुए। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे देख तो सिंगल यूज कौन प्लास्टिक रो व्यवहार प्लास्टिक है सिंगल यूज प्लास्टिक रो व्यवहार औषध होगा जो क्यों प्रकार डेवलपमेंट हो पार। तो ये पे क्यों प्रकार डेवलपमेंट हो पार तो यहाँ गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पार है सस्टेनेबल। तो सिंगल देख सिंगल यूज प्लास्टिक रो व्यवहार औषध होगा जो क्यों प्रकार डेवलपमेंट हो पार पे तो यहाँ गोटे सस्टेनेबल है डेवलपमेंट हो पार। प्रति क्वेश्चन इंपोर्टेंट पे भल भाव ध्यान दियो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्यों भू रासायनिक चक्री जबक्षारजान आमोनिया परिवर्तित हुए। तो क्यों भू रासायनिक चक्रे पे ये नाइट्रोजेन कौन फिक्शन प्रोसेस है नाइट्रोजेन जबक्षारजान जो चक्र जो है तो नाइट्रोजेन फिक्शन प्रोसेस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बाजुमंडल क्यों स्तर में ओजन गैस रही है पे बाजुमंडल क्यों स्तर में ओजन गैस रही है क्वेश्चन बारंबार रिपीटेड हो। तो यहाँ कौन कौन स्ट्राटोस्फीयर है तो स्ट्राटोस्फीयर ओजन स्तर गैस ओजन स्तर ओजन गैस रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख एक समुदाय गोष्ठी में अनेक डेस्क थाए तो पे एक समुदाय गोष्ठी अनेक डेस्क था पे तो गोष्ठी कौन था जनसंख्या एवं सामान परस्पर मध्य जो किपरी कार्य रही सेटा ही पे रही था है एक समुदाय रे अनेक गुड़े जनसंख्या मैंने रही था। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख क्यों मसीहार वेदर प्रोटेक्शन एक्ट आरंभ होता मन रख क्यों एक्ट के मसीह होता। तो यहाँ पे
କେଡ଼େ 1974 ମସିହାରେ କ'ଣ ୱେଦର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ପିଲା, ନା ୱାର୍ଲଡ ଏନଭରମେଣ୍ଟ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଡେକ୍ସ, ତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଜୁନ୍, 5 ଜୁନ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ଟର୍ମସ୍ ଇକୋଲୋଜି ୱାଜ୍ କୋଏଣ୍ଡ ବାଏ, ତ ଇ ଇକୋଲୋଜି ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଟା କିଏ, ଜର୍ମାନୀର କ'ଣ ଜୁଲୋଜିଷ୍ଟ ଆର୍ନଡ ହେକେଲ, ହେଲା ହେକେଲ ମନେ ରଖ, ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ, ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ହେଲା ପାଗ, ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ତୁମେ କହୁଛ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଧୂଆଁ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ତ ଧୂଆଁ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ମିଶିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ସ୍ମକ୍, ମନେ ରଖ, ସ୍ମକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିପାରିବ, ଏଠାରେ ଦେଇଥିବ ଡେକ୍ସ ଏବଂ ଡେକ୍ସ ମିଶ୍ରଣରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଥିବ ସ୍ମକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ, ଧୂଆଁ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଡେକ୍ସ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ବାୟୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖ କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା କେତେ 1981 ମାନେ କ'ଣ 1981 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ବାୟୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁପାତକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ, ତ ଗୋଟିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁପାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମୃତ୍ୟୁହାର କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡେକ୍ସ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଟା ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡେକ୍ସ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କ'ଣ ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସଟା କ'ଣ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବା କରାଯାଏ। ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ଡେକ୍ସ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିଳାମଣ୍ଡଳ, ତ ଏଇ ଶିଳାମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରିବେଶରେ ଅବାନ୍ତିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ, ତ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତିତ ନୀତିଦିନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସବୁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ହେଲା, ତ ପରିବେଶରେ ଅବାନ୍ତିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ବା କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ୍ ହେଉଛି, ଦେଖ କୋଲେରା ଏକ ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ହେଲା, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଜୀବାଣୁ ରୋଗ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡିଜିଜ୍, କୋଲେରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ରୋଗ, ହେଲା। କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଲେଖିଦେବ ଫଟାକ, ନା କୋଲେରା ଏକ ଡେକ୍ସ ପ୍ରକାର ରୋଗ ନା ଜୀବାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡିଜିଜ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଜାତି ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଜାତିର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ହୋମୋସାପିଏନ୍, ହେଲା, ହୋମୋସାପିଏନ୍ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଜାତିର ନାମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ମଜୁର ବା ପିକକ୍, ଭାରତରେ ମଜୁର ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଡେକ୍ସ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା କହିଲା, ହେଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟା? ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ବା ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ସୁପ୍ଟିହା, ସୁପ୍ଟିହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଯଦି କହିବା ମଜୁର, ତ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି କେତେବେଳେ ବି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଆସେ, ତ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ବା ସୁପ୍ଟିହା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଭାରତର ଯଦି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ମଜୁର, ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଡେକ୍ସ ଏକ ଜୈବତତ୍ତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ବା ରାସାୟନିକ ଚକ୍ରର ଉଦାହରଣ, ତ ପିଲାମାନେ ଜୈବତତ୍ତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ଚକ୍ରର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦିଅ ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଚକ୍ର ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚକ୍ର ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା କାର୍ବନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ହେଲା, ବା ଅଙ୍ଗାରକ ଚକ୍ର ଯେଉଁ, ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚକ୍ର ବା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କୋଇଲା ଏକ ଡେକ୍ସ ସମ୍ପଦ ପିଲାମାନେ, ତ କୋଇଲା ଏକ କେଉଁ ସମ୍ପଦ? କୋଇଲା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡେକ୍ସ ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ ଚାଲେଣୀ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଜୀବାଶ୍ମ ଚାଲେଣୀ କି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଯେଉଁଟାକି CNG କହୁଛ, CNGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯେ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ଏଇଟା ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, ଆଉ LPGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ, କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ ହୋଇପାରିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କହିଲି, CNGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆଉ LPGର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଅ।
तापर देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देख डेक्स वर्ष जल नियम प्रस्तुत होता तो क्यों वर्ष जल नियम कौन प्रणयन होता प्रस्तुत कराइला क्यों वर्ष रहा तो यहाँ 1974 मसीह मन रख जल नियमटा व्वाटर नियम जो व्वाटर सिस्टम तो यहाँ के वर्ष रहता पिला मैंने 1974 मसीह तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पृथ्वी डेक्स अंश में जीवन देखा जाए तो बा पृथ्वीर क्यों अंश में जीविकानी जीवन जो आम बंची पारे क्यों अंश पे पृथ्वी कौन जो कौन जैवमंडल पे बायोस्फीयर बायोस्फीयर में जीवन यापन करुचे ना ना जीवमंडल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे मानवकृत विपर्ययर एक उदाहरण दि तो मानवकृत विपर्ययर उदाहरण दि आम द्वारा जो विपर्ययर सृष्टि होने तो यहाँ कौन गोटे क्राइम पे अपराध हो पार अग्निकाण्ड हो पार आतंकवाद हो पार नागरिक विशृंखला हो पार कि साइबर अटैक है साइबर क्राइम जो रही अच्छे यहाँ भी हो पार जो लिखे भी चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्राकृतिक विपर्ययर एक उदाहरण दि मन रख पे आम टिके पूर्व आलोचना करें कौन मानवकृत मनुष्य द्वारा जो विपर्ययटा सृष्टि होमती अपराध अग्निकाण्ड आतंकवाद नागरिक विशृंखला साइबर अटैक तापर एठार कहला प्राकृतिक विपर्यय प्राकृतिक विपर्यय जोटा ऑटोमेटिक सृष्टि होम सृष्टि करना जोटा तो यहाँ सुनामी गला पे भूमिकंप होगा घूर्णिवलय होगा आग्नेयगिरी उद्गीरण होगा कूआपथर होगा है कूआपथर पे बुझी पाऊँ ना ना बनिया बात्या तो ये आम सृष्टि करूना पे ये आपे आपे होता प्राकृतिक विपर्यय जोटा लिखे भी चलो है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख प्राकृतिक विपर्यय बेले जनसाधारण को सतर्क करने जोजोग साधारण कौन तो प्राकृतिक विपर्यय जोटा होमती कि सुनामी भूमिकंप घूर्णिवलय आग्नेय उद्गीरण कूआपथर बन्या बात्या जोटा होमको खबर सांगे सांग मिली जाए कि नहीं पाने तो यहाँ क्यों क्या द्वारा आमको मिलता है गणमाध्यम द्वारा मिलता है पाने जमीक रेडियो होगा बर्तमान आम मोबाइल फोन आलर्ट विभिन्न प्रकार सोशियाल मीडिया लिखने भी चलो प्रसारण मीडिया है जोटा कि विभिन्न प्रकार न्यूज गुड़ाक रही अच्छे जरूरकालीन आलर्ट सिस्टम जोटा लिखले चलो प्राकृतिक विपर्यय बोले जनसाधारण को केमी सतर्क करा जाए बोले मोबाइल फोन लिखले चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे क्या सबुज बलय गैस रूप ग्रहण कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख प्रति क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या सबुज बलय गैस रूप ग्रहण कर पाने कार्बन डाइऑक्साइड बा तार प्रतीक कौन सिंबल CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड को सबुज बलय गैस रूप ग्रहण कर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक कारण लेख मन रख ये सामाजिक कारण कहूँ भारत में जनसंख्या वृद्धि सामाजिक कारण पे अधिक जन्म हार और मृत्यु हार कम अधिक जन्म हार हो मृत्यु हार कम हो तो यहाँ हूँ भारत जनसंख्या वृद्धि गोटे सामाजिक कारण तापर यार गोटे अर्थनैतिक कारण जो देखा पे जनसंख्या वृद्धि एक अर्थनैतिक कारण जो आम देखा इम्प्लॉयमेंट रेट बा रोजगार हार है यहाँ केत कन्फ्यूज हेनी मुझे तुमको पाखपाखे सब लिखी है तो भारत में जनसंख्या वृद्धि गोटे सामाजिक कारण जो गोटे लेख कहे मैंने अधिक जन्म हार हो मृत्यु हार कम ठीक आउ जो जनसंख्या वृद्धि जो अर्थनैतिक कारण जो उल्लेख कर लेख जब कहे फटाकना तुमने लिखिद पे इम्प्लॉयमेंट रेट बा रोजगार हार तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे परिवेश सुरक्षा आईन 1986 मुख्य उद्देश्य कौन थी तो यहाँ तुमको गोटे क्वेश्चन हो पारे पे परिवेश सुरक्षा आईनटा के मसीह 1986 मसीहार है यहाँ भी गोटे क्वेश्चन वन मार्क तुमको बनी पार पे सहित परिवेश सुरक्षा आईन 1986 मुख्य उद्देश्यटा कौन था मेन ऑब्जेक्टिवटा कौन था तो परिवेश उन्नति किपर हे से बहुत कौन यटा तार उद्देश्य था परिवेश केमी उन्नति कर तापर देख मृत्तिका क्षय रोकने क्यों पदक्षेप निजाई पाए तो देख पे मृत्तिका क्षय को आम कमी रोकपर गोटे उदाहरण दिए बोले तुमने लिख ना मृत्तिकार आम फसल लगवा विभिन्न प्रकार चाष करवा जहाद्वारा कि मृत्तिका को रोक जा पार तापर देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक जैव विविधता क्यों जंगल में देखा जाए मन रख पे तो जैव विविधता है सर्वाधिक जैव विविधता क्यों अंचल सरी क्यों जंगल में देखा जाए पे तो यह कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो जोटे वर्षा पे अधिक मात्रा में होता है तो सेठे सर्वाधिक जैव विविधता देखा जाए जंगल बहुत देखा जाए पे कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों परिसंस्थार सर्वाधिक जैविक वस्तुत्व देख क्यों परिसंस्थार सर्वाधिक जैविक वस्तुत्व माने जो इकोसिस्टम रही होती तो क्यों इकोसिस्टम रे अधिक मात्रा रे जैविक वस्तुत्व रही होती तो जब आम देखा पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बाले जंगल परिसंस्था तो ठेरे पे जैविक वस्तु अधिक परिमाण रही होती प्राकृतिक जिनस गुड़ाक है नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेश बीजाणु मैंने डेस्क अटंती जो आम देखा परिसंस्था बीजाणु मैंने कौन पिला मैंने तो परिसंस्था बीजाणु मैंने गोटे कौन माइक्रो कंस्यूमर है सूक्ष्म ग्राहक से अटंती है बीजाणु मैंने कंज्यूमर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख ये क्वेश्चन आउट थे मॉडिफाई है पे स्मोक डेस्क और डेस्क्र सम्मिश्रण गठित होता है ना ये स्मोक एंड फॉग
स्मग आउ फग माने धुआं एवं कोहरी को मिसाई कि स्मग सृष्टि होइथाय बा धुआं एवं कोहरी को मिसाई कोन सृष्टि होइथाय स्मग हला ए क्वेश्चन बारंबार रिपीट होउछि तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबले हमरा जातीय भासमान उद्यान भारत रो केउठारे अवस्थित मने रख पिला माने तो जातीय भासमान उद्यानटा आम भारत मणिपुर मणिपुर राज्य अवस्थित मन रख मणिपुर राज्य अवस्थित तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाला OSDMA स्टैंड फॉर डेक्स OSDMA प्रो संपूर्ण नाम व पूरा नाम व फुल फॉर्म कौन जदि आसे तुमने लिखिबो पिला माने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बा जदि आमे ओडिया रे देखिया पिला माने ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालन प्राधिकरण हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखो तुमकर कोविड 19 रो कारक किए कोविड 19 क्या द्वारा होता है पे मैंने क्यों फुटाणु द्वारा ना कोरोना भाईरस लिखे है फटाकोना तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय विपर्यय परिचालन आईन डेक्स मसीह कार्यकारी होता तो ये जातीय विपर्यय परिचालन आईनटा के मसीह कार्यकारी होता है पे तो यहाँ 2005 डिसेम्बर 2005 जातीय विपर्यय परिचालन आईनटा कौन कार्यकारी होता है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन भूमिकंप मापिबारे क्यों जंत्र नाम कौन ना भूमिकंप क्यों जंत्र द्वारा मपा जाए पाने तो यहाँ पे कौन हो साइस्मोमीटर साइस्मोग्राफ कहले चलो है भूमिकंप मपा जाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पृथ्वी जनसंख्या दिवस डेक्स दिन पालित हुए पृथ्वी जनसंख्या दिवस जो है वर्ल्ड कौन पॉपुलेशन डे तो यहाँ क्यों दिन पालन कराए पाने प्रति वर्ष जुलाई 11 तारीख मन रख परिवेश दिवस के परिवेश दिवस हूँ June 5 किंतु पिलामने पृथ्वी जनसंख्या दिवस बा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एटा जुलाई 11 रे होइताय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ट्यूबरकुलेसिस बा ओडिया रे जदि देखिबा जखमा बा तुम्हें जो टीबी को उजो देश को साधारण तो आक्रांत करे तो ये टीबी बा ट्यूबरकुलेसिस टा आमर शरीर रो क्यों कहा को बेसी कोन आक्रांत करी थाय पिलामने तो एटा फुसफुस बा लंग्स बा फुसफुस को हमको बहुत आक्रांत करी थाय तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामने ओजन स्तर कमियार मुख्य गैस कौन एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ओजन स्तर कमियार मुख्य गैसटा केउडा मेन गैस केउडा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मन रख एटा तुमको एग्जाम रे मध्ये आसीबारे CFC रो फुल फॉर्म कौन बा CFC रो स्टैंड फॉर डेक्स इजीली लिखि परबो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजन स्तर कमिबारे लागुची एहा होची मुख्य गैस तापर देखो पिलामने NDRF रो तृतीय बाटालियर कोटक रो केउठारे अवस्थित तो NDRF रो तृतीय बाटालियर कोटक रो केउठारे अवस्थित पिलामने एटा पो मुंडाली देख पाने तुमने द्वितीय और चतुर्थ मध्य रही होती मुझे स्क्रीनशॉट लगे तुम्हें यहाँ देखी नब क्यों रही होगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख मनुष्य जनसंख्या पतन को डेस्क कहा जाए कौन मनुष्य जनसंख्या पतन को कौन डेमोग्राफी कौन डेमोग्राफी जनसंख्या ही कहा जाए मनुष्य जनसंख्या पतन जो घटू ताकि जनसंख्यार पतन क्या डेमोग्राफी कहा जाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाने इनफ्लुएंजा भूताणु मुख्यतः डेस्क द्वारा संचालित होता है जो इनफ्लुएंजा भूताणु भाईरस मैंने जो कौच पाने आगर पढ़ीच तो यहाँ क्या द्वारा बेसिकी किए व्यापी थे पाने संचालित होता है तो यहाँ कौन काश बा छिंकी कथा समय जो बुंदा बाहरी थे पाने इनफ्लुएंजा भूताणुटा संक्रमित होता है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख गोटे अंचल वायुमंडल दैनंदिन अवस्था को डेस्क कहुए ना कौन पे गोटे अंचल वायुमंडल दैनंदिन अवस्था को नीतिदिन अवस्था को कौन कह जाए वेदर बा तुम्हें पापाग कहा जाए है गोटे अंचल वायुमंडल दैनंदिन अवस्था को आज पार्कटा केमी अच्छे तो यहाँ क्या बुझाए पाने वेदर है पापाग को ही सूचाई था पाने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख शक्ति पिरामिड रे शिलास्थल रे डेस्क मैंने अवस्थान करुँ तो जो शक्ति पिरामिडा रही अच्छी पिला तो एनर्जी पिरामिड जो रही होती तो ये शक्ति पिरामिड तल स्तर तल भाग क्यों मैंने अवस्थान करते पाने यहाँ कौन प्रड्यूसर है प्रड्यूसर मैंने कौन प्राइमरी प्रड्यूसर है प्राथमिक उत्पादक मैंने साधारणतः रही था तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख अमला वर्षार मुख्य बाष्पगुड़िक है डेक्स और डेक्स तो देख मन रख पाने एसीड रेन तुम्हारों ये दुई मार्किया क्वेश्चन आसपार है तो अमला वर्षार मुख्य बाष्पगुड़िक है क्यों क्यों गैस पाने SO2 आउ NO2 मानने SO2 रे कौन सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 बोले नाइट्रोजन ऑक्साइड मन रख पाने तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जल प्रदूषण आईन डेक्स मसीह प्रणयन कराइला मन रख पाने जल प्रदूषण आईनटा के 1974 मसीह कौन जल प्रदूषण आईनटा कौन प्रणयन करपर देख पाने नेक्स्ट क्वेश्चन राइजोबियम है राइजोबियम बैक्टीरिया डेस्क गछर चेरें सहजीवी भाव में रही थाए तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों गछर चेरें सहजीवी भाव में रही था पाने तुम्हें आगर जान जो चाउल गहम मका बिरी तो यही गछर है विशेषकर कि मुग बिरी गहम चाउल
गछ गुड़िक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया सहजीवी भाव में बसति स्थापन कर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे वन्य प्राणी सुरक्षा आईन के मसीह कार्यकारी होता मन रख 1972 कौन होता ना वन्य प्राणी सुरक्षा आईनटा होता कार्यकारी होता तापर वायुमंडल धूआ और कुहड़ी मिश्रण को कौन कहुए पे देख धूआ कुहड़ी मिश्रण को कौन कहुए फग स्मोक कहुए स्मोक स्मोक डेस्क और डेस्क मिश्रण जो कहे एमती जो मॉडिफाई क्वेश्चन लिखो धूआ और कुहड़ी मिश्रण को स्मोक कहुए तापर तुमको शेष क्वेश्चन टी अच्छे पे क्योटो प्रोटोकॉल डेस्क ह्रास विषय गठित होता है तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस कौन इमिशन है ग्रीन हाउस गैस निर्गमन द्वारा यहाँ होता है तो पे भिडे संपूर्ण भाव में तुमको जनइली तो तुमको ACC1 तुमको EVS एनवायरमेंटल स्टडीज ओडिया जो परिवेश विज्ञान तुम्हें कह तो बेसिकली समलपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक इंपोर्टेंट अटे कहीं तुमको एग्जाम रही है पे तो तुमको एग्जाम को लेकिन कतोटी वन मार्क प्राजे 63 क्वेश्चन मुझे तुमको जनइली जदि 63 क्वेश्चन प्राक्ट करेउ तुमको जो 12 मार्किया 1 मार्क जो सर्ट टाइप क्वेश्चन पे आसते 12 क्वेश्चन तो तुमने 12 12 मार्क रखिपार कहीं ए सब क्वेश्चन आसो यहाँ छाड़ी देखा अगर कौन क्वेश्चन ना बुझी पाच ना ना भल भाव में प्राक्ट कर यही भिडियो थोड़े देख कि दुई थर देख कि तीन थर देख रिपीटेड देख बट सब ए प्राक्ट कर कहीं अलरेडी अन्यान्य यूनिवर्सिटी अलरेडी पढ़ी सारी तुमको यूनिवर्सिटी आसवर प्राजे संभावना रही अच्छे तो तापर आम नेक्स्ट आम डिस्कसन कर पाने तुमको जिते भी सब दुई मार्क तीन मार्क आते भी सब इम्पोर्टेन्ट तुमको 7 मार्क लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो रही है आम डिस्कसन करा एक वीडियो रे तो डेफिनेटली पाला भिडियोटी हेल्पफुल होता है जो भिडियो भल लगी है तेल कौन कर तुमने जान तुम सांगसाथी मैं डेफिनेटली गोटे सेयार करदेव तो चलो देखा नेक्स्ट भिडियो एग्जाम पे बेस्ट ऑफ लक ठीक से एग्जाम देव पे बाय बाय टेक केयर बाय 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 बाय।